बाजी, 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 चाचो वादा किया है पूरा करो, जम्मू के साथ इलिमिनेशन, हम क्या चाहते इलिमिनेशन, जम्मू के गद्दारों को झूठे मारो सालों को। अगर बीजेपी डीलिमिटेशन की बात करती है तो यूथ कांग्रेस डिमांड करती है कि डीलिमिटेशन अगर करना चाहते हैं तो इलेक्शन से पहले करें, इलेक्शन के बाद डीलिमिटेशन नहीं होगी और फिर से एक बार जम्मू के लोगों के साथ फिर से धोखा हो जाएगा। और लोकतंत्र बचाओ मार्च का एक हमारा और कारण है कि जिस तरह से सभी जानते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, यहाँ जम्मू कश्मीर हो, यहाँ कितने महीने हो गए यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुई है और बीजेपी द्वारा सेंटर से ये स्टेट चल रही है। और जिस तरह से देखा जा रहा है पिछले दो तीन दिन से कि कर्नाटका में लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी एक कदम भी पीछे नहीं हटी है, पूरी कोशिश लगा रही है, काला धन लगा रही है, हवाले के पैसे से MLAs को खरीदने की कोशिश की जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ भी बीजेपी ऑपोजिशन में वो चाहती है कि पैसों के दबाव से, ED के दबाव से, प्रेशर से उस सरकार को तोड़ दिया जाए। हमारा एक ही सवाल है अमित शाह जी से और बीजेपी के लीडर से कि जो आप बोलते हो कि 100-100 करोड़ रुपए एक MLA को देंगे अगर वो सरकार से बाहर आ जाएगा, तो ये 100 करोड़ कहां से आ रहा है? भारत की जनता ये सवाल कर रही है कि ये 100-100 करोड़ एक MLA के लिए बीजेपी कहां से ला रही है? ये क्या हवाले का पैसा है, काला धन है, या फिर सभी MPs एक साथ जोड़कर अपनी तनख्वाह जोड़कर उनको देंगे? ये सामने सामने सफेद झूठ बीजेपी का पता चलता है कि कितनी करप्शन है इस पार्टी में और इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस आज खड़ी है। जम्मू के ठेकेदारों को गोली मारो सालों को, जिंदाबाद यूथ कांग्रेस।